जय माता दी। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज और माँ की कृपा आप सभी पर बने रहें। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, उस वीडियो का टाइटल है माँ और एक ऐसे कलाकार जिनका नाम है मनोज मुक्तसिर। तो वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। क्या बात है, वाह। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। वाह वाह वाह। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। क्या बात है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली। पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा, एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। आए, आए, क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या बात है मनोज जी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन बिहाइंड चार्ट बस्टर्स लाइक तेरी मिट्टी में मिल जावा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा एंड तेरी गलियां, जिनके अल्फाज एहसास को आवाज देते हैं, एहसासों के मुसाफिर मनोज मुंतशिर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। प्लीज टेक अ सीट एंड एंजॉय द शो। आइए मनोज जी, आइए सर। सो गुड टू बी बैक अगेन। सभी माओ के लिए हाथ टूटने तक तालियां। बड़े बड़े खोजी हुए हैं दुनिया में। किसी ने नाव पर चढ़ के देश खोज निकाले, किसी ने दूरबीन से तारे। गलीलियो, कोलंबस, वास्को डी गामा, मुझे नाम याद है सारे। चले गए, आज अगर होते तो मेरी मां से हार जाते। मेरा सीधा चैलेंज, एक ऐसा मंदिर खोज निकालो जहां मां ने मेरे लिए माथा नहीं टेका, एक ऐसी नदी जहां उसने मेरे नाम का सिक्का नहीं फेंका। लगा लो अपनी सारी दूरबीने और ढूंढ निकालो वो एक धाम जिसकी ऊंचाई मेरी मां की मन्नतों से ज्यादा हो, वो एक पेड़ जहां उसने मेरे नाम का धागा ना बांधा हो। ढूंढ के बताओ वो एक दरगाह जहां मां ने मेरे लिए फूल न चढ़ाए हों, वो एक गुरुद्वारा जहां मेरे नाम के लंगर न खिलाए हों। वाह वाह वाह। होंगे बड़े बड़े खोजी, बड़े बड़े 30 मार खां, पर दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोरर का नाम है माँ। मेरी माँ, वाह। कल सरहद पे गोली चली, खून बहा, और आज गांव में एक ताबूत आया तिरंगे में लिपटा हुआ। बाप की बूढ़ी छाती में दरारें पड़ गईं, बहन की राखियां उजड़ गईं, दुल्हन की चूड़ियां टूट के कलाई में गड़ गईं। यारों का यार बिछड़ गया, भाई का गुरूर मर गया, और मां वो चल के दरवाजे तक नहीं आई, अपने लाडले बेटे को सुलाने के लिए एक आखिरी लोरी तक नहीं गाई। जहां खड़ी थी वहीं से वतन के लिए दुआएं मांगने लगी, एक बेटे का ताबूत खोलने से पहले दूसरे बेटे का सामान बांधने लगी। कुछ टूटती हुई हिचकियों ने सवाल किया तो बोली, जब तक जीऊं इस देश के काम आऊं, एक शहीद की मां कहलाने से अच्छा है 2 शहीदों की मां कहलाऊं। वाह। मां, मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूं, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तू समझ रही है ना। वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहां से लाएगी। मैं बताता हूं,
कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। वाह, मां जहां कहीं भी है उसे वंदन है। वो दुनिया के जिस कोने में जिस देश में है उसका अभिनंदन है। पर हमारे भारतवर्ष की माएं अब क्या बताएं, एक से एक वीरांगनाएं। एक वो झांसी की रानी जिसने बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के धागे खोल दिए। एक जीजाबाई जिसके इशारे पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के ताज तलवारों पे तोल दिए। शकुंतला जिसके बेटे ने लड़कपन में ही शेर के दांत गिनके अपने शौर्य का ऐलान कर दिया। और पन्ना जिसने मेवाड़ का चिराग बचाने के लिए अपनी कोख का दीपक दान कर दिया। कोई कहां तक गिनेगा, हम कहां तक गिनवाएं। बस ये जान लो, भारत जैसी ही बेजोड़ हैं भारत की माएं। अभी देर नहीं हुई, जाओ। तुम्हारी मां से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज ही बताओ। वाह, क्या बात है। मां का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। मां का दिल ये है, मां का दिल वो है। अरे छोड़ो भी ये फिल्मी बातें, किसने देखा है मां का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हां, मैंने उसके हाथ जरूर देखे, वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं, वही हाथ जो मेरी उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं, मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी, और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिन हाथों में सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मारकर खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, मां के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। वाह, क्या बात है।